जी, धनतेरस को लेकर के मेरे मन में एक सवाल है कि हमारे कई दर्शक हैं और ज्यादातर लोगों के मन में ये संशय रहता है कि धनतेरस पे लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें, लक्ष्मी जी के साथ जैसे कुबेर की पूजा होती है, तो इसको किस तरीके से किया जाए, क्या इसका विधान है उसके बारे में। बिल्कुल, यह एक दर्शकों तक पहुंचने वाला बहुत अच्छा एक प्रश्न है और इसका इसकी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग देखा देखी कि इस जमाने में मूल जड़ों को भूलते जा रहे हैं और जी टहनियों को भी पेड़ मानने लगे हैं। बिल्कुल तो ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये देखिए, जो 5 दिन का जो त्योहार है दीपावली, इसके दो दो त्योहार इसके पहले और दो त्योहार इसके बाद में आते हैं। दो त्योहार मतलब एक त्योहार आता है धन त्रयोदशी, जिसको हम धनतेरस कहते हैं, और एक त्योहार आता है रूप चतुर्दशी, इसको हम रूप चौदस कहते हैं। बिल्कुल दीपावली के अगला दिन जो आता है वह गोवर्धन पूजा का दिन आता है, और उससे जो नेक्स्ट डे जो होता है उसको हम भैया दूज या भाई दूज या यम द्वितीया कहते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि 5 दिनों के त्योहार में जो पहला त्योहार धनतेरस आ रहा है, इसको हमें क्या करना चाहिए, 5 दिनों की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो यह धनतेरस का सीधा सीधा तात्पर्य है धन, इसमें शब्द आ रहा है धन। लेकिन ये मैं दर्शकों तक बता देना चाहता हूँ, धन तेरस का धन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा है पहला सुख निरोगी काया। ये आप सब जानते होंगे, जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही आप सभी सुखों का उपभोग कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो पहला त्योहार आता है धन तेरस, और उसका पूरा का पूरा शब्द है धनवंतरी त्रयोदशी। यह त्योहार धनवंतरी जी से संबंधित त्योहार है, और धनवंतरी जी का स्वास्थ्य से संबंध है, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक कोई भी त्योहार को मनाने में हमारी रुचि पैदा नहीं होगी, क्योंकि अगर स्वस्थ मन होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ शरीर से सब काम होते हैं। तो धनवंतरी त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। आपने कथा जरूर सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन हुआ राक्षसों और देवताओं के द्वारा, तो अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, और यह धन्वंतरी अमृत कलश के साथ साथ में कुछ जड़ी बूटियों भी को लेकर उत्पन्न हुए थे। उनमें से गिलोय है, अर्क है, कुछ नीम है, ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनको लेकर धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। तो हमें धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन सभी जड़ी बूटियों जो घर में हमारे उपलब्ध है, और आप जानते हैं हमारे घर में रसोई एक ऐसी चीज है जो कि औषधालय ही है, उसमें बहुत सारी दवाइयां रहती है, उसमें जायफल रहता है, सौंठ रहती है, अदरक रहता है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, हल्दी, मिर्ची, धनिया, सभी प्रकार की जड़ी बूटियां रहती है। तो हमें भगवान धन्वंतरी त्रयोदशी को प्रसन्न करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की कामना करनी चाहिए। और अगर भगवान धन्वंतरी को अगर हम देखते हैं तो भगवान विष्णु के स्वरूप में धन्वंतरी जी विराजते हैं, केवल हाथ में, दो हाथ में कलश है, बाकी दो हाथ में उनके जड़ी बूटियां हैं। तो चतुर्भुज या तो भगवान विष्णु है या चतुर्भुज भगवान धन्वंतरी है। तो भगवान विष्णु का ही स्वरूप धन्वंतरी है, और बिना विष्णु जी के लक्ष्मी पूजन करना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं है। अतः धनतेरस के दिन भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ में आवाहन करना चाहिए, और जो हमारे घर में सोने चांदी के जो बर्तन आदि रखे हुए उन्हें निकाल करके साफ सफाई करके दीपावली के लिए तैयार कर लेना चाहिए, ताकि आज से हमारा यह त्योहार चालू हो गया है। और धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन संध्या के समय दीपक जलाने की शुरुआत हो जाती है, अतः संध्या के समय उसी प्रदोष काल में भगवान धन्वंतरी जी को, भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी, कुबेर जी को याद करके 5, 11 या 21 दीपक अपने घर में जलाने चाहिए, चौराहे पर रखने चाहिए, मंदिरों में रखने चाहिए, घर के बाहर द्वार पे रखने चाहिए। इस प्रकार धन्वंतरी त्रयोदशी से दीपावली के आगमन की सूचना हमें मिल जाती है, इसलिए हर्षोल्लास से इस 5 दिन के त्योहार को मनाने की शुरुआत धनतेरस से होती है, जो हमें इस प्रकार पूजा पद्धति करके मनानी चाहिए।